उसका एक बड़ा सा मोनोलॉग शुरू होता है, बच्चा देना, घर की चीजें करना, बस यही लड़कियों का भविष्य है, तो बा कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे भी नहीं पता। सो आज हम सीन में देखे कि दुल्हन हमेशा सुहागरात में खुश होती है, लेकिन यहाँ काफी कुछ ड्रामेटिक हो रहा है, क्या बताना चाहेंगी? हाँ, तो रुक्मिणी और सुमेध की सुहागरात है और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट और ड्रामेटिक सीक्वेंस है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुहागरात के दिन जब सुमेध प्यार से आता है उसका उसके पास, रुक्मिणी के पास आता है, उसके उसके हाथ को चूमने ही वाला होता है कि रुक्मिणी उसका हाथ झटक के, उसका एक बड़ा सा मोनोलॉग शुरू होता है जहाँ पे वो अपना आउटबर्स्ट दिखाती है कि मैं कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, और लड़कों के लिए तो सब कुछ सही होता है और लड़कियों के लिए सब चीज़ गलत और सारी जिम्मेदारियाँ लड़कियों की होती है, और बच्चा देना, घर की चीज़ें करना, बस यही लड़कियों का भविष्य है। एंड रियली यू नो अप टू द फैक्ट डायलॉग्स लिखे गए हैं, वेरी ब्यूटीफुल डायलॉग्स। मैंने फॉर्चुनेटली पिछली बार और इस बार भी ऐसे रोल्स प्ले किए हैं जो लड़कियां जैसे रिलेट कर पाए, और पूरे उसने एक कहानी सुनाई है कि लड़कियों का, एक्चुअली हम इंडिया में भी जो देखते हैं कि लड़कियों के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। सो बेसिकली शी इज़ बीइंग द वॉइस ऑफ वुमेन हियर, और यही वो सीक्वेंस है। ओके, लास्टली हम जाना चाहेंगे कि बा के आने के बाद चीज़ें कितनी डिफिकल्ट होने वाली है टुमारो, क्योंकि यू नो बा ने काफ़ी कुछ उनको एक भनक तो लग चुकी है कि कुछ तो हुआ है अंदर, उस पर क्या कहोगे? उन्हें भनक तो लगी है लेकिन अभी तक उनको सच्चाई पता नहीं है, तो बा कैसे रिएक्ट करेंगी ये मुझे भी नहीं पता, और ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आंख में चोली 6:30 PM स्टार प्लस पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।